हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल ब्रोली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से पोस्ट डुप्लीकेट करते हैं और पोस्ट डुप्लीकेट कब करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पेज को डुप्लीकेट किया जाता है और उसे हम यूज करेंगे और कस्टमाइज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ प्लगइन्स में। जाने के बाद यहाँ पर मैं एड न्यू पे क्लिक करता हूँ। एड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल टाइप करना है पेज डुप्लीकेट। टाइप करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपका पेज डुप्लीकेट नाम का प्लगइन यहाँ पर आ चुका है। उसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद में इंस्टॉल करता हूँ। ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी इसे एक्टिवेट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर हमारा पेज डुप्लीकेट नाम का प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ पर वो आ चुका है पेज डुप्लीकेट। अगर इसकी सेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद में चलिए अब पेज डुप्लीकेट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पेजेस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर ऑल पेजेस आ चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर मुझे करना है होम पेज को डुप्लीकेट। तो मैं इसे यहाँ पर डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करके इस पेज को डुप्लीकेट बना लेता हूँ। अभी ये पेज हमारा डुप्लीकेट हो चुका है। होम देखिए, होम ये ओरिजिनल पेज है। उसके बाद में हमने कॉपी किया था, डुप्लीकेट किया था, जो कि कॉपी नाम से बन जाता है। तो अभी मैं इसे एडिट करता हूँ और होम कॉपी नाम के बजाय मैं इसे नाम दे देता हूँ यहाँ पर टेस्टिमोनियल। TESTIMONIALS टेस्टिमोनियल्स। उसके बाद में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर हमें अभी अबाउट होम पेज से हमने इसको डुप्लीकेट किया था और वो डुप्लीकेट होने के बाद में होम स्पेस कॉपी नाम से वो पेज रेडी था। तो अभी हमें इसे टेस्टिमोनियल नाम से रिनेम करना है। तो यहाँ पर राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर URLs लगे होम हाइफन कॉपी। तो हमें इस तरह का URL नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर मैं सिंपल दे देता हूँ टेस्टिमोनियल। अगर ये कैपिटल में तो ऑटोमेटिकली URL में स्मॉल में ले लेगा। तो मैं यहाँ पर इसे स्मॉल में रखता हूँ पहले से, वैसे कोई है नहीं दिक्कत। टेस्टिमोनियल देखिए, जैसे मैं यहाँ पर टेस्टिमोनियल स्लग में लिखा हूँ, यहाँ पर हमारा URL चेंज हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अभी ये पेज हमारा अपडेट हो चुका है। अभी जाते हैं हमारे मेन वेबसाइट पे localhost/myproject पे। माय प्रोजेक्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने मेनू में ऐड नहीं किया है तो इसे यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो अभी मैं इसे मैन्युअली टाइप करता हूँ टेस्टिमोनियल। देखिए टेस्टिमोनियल नाम का यहाँ पर URL चेंज हो चुका है। तो अभी होम पेज से कॉपी किया था तो एज इट इज होम पेज का ही यहाँ पर इंटरफेस ले रहा है। तो मैं इसे यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर करता हूँ और इसे थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं ताकि होम पेज में और टेस्टिमोनियल पेज में डिफरेंस दिखाई दे। तो यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर क्लोज और यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसका ब्लैक और उसके बाद में इसका टाइपोग्राफी में जाके टाइपोग्राफी का कलर, देखिए बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लैक हो चुका है। अभी टेक्स्ट का कलर ये जो है इसे व्हाइट करना है मुझे। तो मैं यहाँ पर टेस्टिमोनियल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जाता हूँ। उसके बाद में स्टाइलिंग में जाकर यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर को मुझे करना है यहाँ पर व्हाइट। अभी मुझे थोड़ा सा ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में यहाँ पर स्पेसिंग चाहिए। तो मैं इसे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में एडवांस में जाकर टॉप पैडिंग देता हूँ 50 पिक्सल और बॉटम पैडिंग देता हूँ 50 पिक्सल। तो इस तरह से कुछ आपका टेस्टिमोनियल पेज दिखाई देगा। इसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपडेट और अपडेट करने के बाद में हमारा फर्स्ट वाला जो टैब है यहाँ पर जाके मैं इसे कर देता हूँ रिफ्रेश। तो देखिए आपका टेस्टिमोनियल पेज बहुत ही कम समय में रेडी है। आई होप कि आपको पेज डुप्लीकेट करना आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा।